फिलिस्तीन के आतंकी गुट हमास ने इसराइल पर हमला किया। हमास के इस हमले में इसराइल में बड़ी तबाही हुई। आपको बताते हैं कि हमास क्या है और इसके हमले का पैटर्न आखिर क्या है, एक एक करके आपको ग्राफिक्स की मदद से ये समझाते हैं। देखिए, हमास दरअसल अरबी भाषा का एक शब्द है और इसकी शुरुआत कैसे हुई ये भी हम आपको बताएंगे। हमास का सबसे पहले अर्थ समझिए। हमास का अर्थ उत्साह होता है। हमास का पूरा नाम अब क्या है वो भी आप जान लीजिए, शरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया इसका पूरा नाम है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन इसके जरिए किया गया और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र इस्लामी राज्य की स्थापना इसका मकसद है। 1987 में दरअसल हमास की स्थापना की गई थी और ये जंग जो इस वक्त इसराइल और हमास के बीच चल रही है ये बीते कई दशकों से यूं ही जारी है। वही चरमपंथी संगठन हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला किया। इसराइल के तेल अवीव समेत 3 शहरों पर रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट रिहायशी इमारतों पर गिरे जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हमास के इस हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें चारों तरफ बेतहाशा तबाही देखने को मिली। अंधेरे में लोग इधर उधर भागते नजर आए जबकि सड़कों पर कई जगहों पर खून के धब्बे और मलबे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, रॉकेट अटैक के बाद सड़कों पर खंडर में तब्दील हो चुकी गाड़ियां भी दिखी। इसराइल में मची तबाही के पीछे हमास है और उनके लड़ाकों ने तेल अवीव और आसपास के इलाकों को रॉकेट से निशाना बनाया। यह धमाका इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो और आसमान से इतना ज्यादा बारूद गिराया गया कि पूरा इलाका आग और धुएं के गुब्बार से गिर गया। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में हर तरफ तबाही नजर आई जिससे कई इमारतें तबाह हो गई, जिसके नीचे कई लोग दब गए जिन्हें निकालने के लिए वहां फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। हमास के हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न मनाया गया। तेहरान में फिलिस्तीन स्क्वायर पर यह जश्न मनाया गया। दरअसल इसराइल के हमले के बाद वहां पर फिलिस्तीन के झंडे भी लहराए गए। ईरान ने इसराइल पर आतंकवादी हमले के बाद हमास का खुलकर समर्थन किया है। ईरान ने हमास के आतंकवादियों को भी मुबारकबाद दी है। हमास के आतंकी हमलों को इस्लामिक देशों का साथ मिल रहा है। दुबई, ओमान, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और अफगानिस्तान ने हमास का समर्थन किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तेहरान की सड़कों पर किस तरीके से जश्न मनाया गया। इसराइल पर जो अटैक हमास की तरफ से हुआ है उसके बाद ये जश्न का माहौल दिखाई दिया, यानी साफ है कि हमास के इस हमले का समर्थन करते कुछ देश नजर आ रहे हैं। हमास के हमले के बाद ईरान में जश्न मनाया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब और कुवैत ये तमाम वो देश हैं जो हमास का खुलकर समर्थन कर रहे हैं।